हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मैं प्रीत तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी फ्रंट बैंग्स हेयर कट, लॉन्ग बैंग्स हेयर कट कैसे करना चाहिए, और आप ये वाला लुक आप साड़ी के साथ और सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो। और न्यू मैरिड हो तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, और या फिर शादी होने वाली है तो शादी के तुरंत बाद बीच की मांग, जैसे हम लोग के इंडिया में तो ज़्यादातर सिंदूर वाला सिस्टम चलता है, तो बीच की मांग के साथ सिंदूर अब लगाओगे तो ये वाला लुक बहुत ही बेस्ट आएगा। तो आप ये लुक कट करवा सकते हो। और हाँ गाइस, जिसको भी मेरे ब्लॉगिंग चैनल में इंटरेस्टेड हो, वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी के नाम से, तो वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मेरी ब्लॉगिंग वीडियो आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फ्रंट बैंक्स तो मैंने इसमें डाला ही हुआ है, मैंने इसका बैक से भी कट लिया था बट वो वीडियो डिलीट हो गई, जैसे मैं जिससे कैमरा ऑन करवाया था उन्होंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, पूरा वीडियो शूट कर दिया। तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब लास्ट में मैंने बैक का भी लुक शो किया हुआ है, मतलब दिखाया हुआ है बैक से मैंने कैसा कट किया था, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। स्ट्रेट वो बैंग्स कट बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ, अपनी सारी हेयर कट में बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ, और सारी वीडियोज पर ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हूँ बहुत ही, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताने की, ताकि आसान हो और सबसे बेस्ट हो। तो इस टाइप का मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। गाइज, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24 से, तो प्रीत तिवारी 24 इंस्टा आईडी, वहाँ पे आपको मेरी अमेजिंग पिक्स देखने को मिलेगी, मैं पिक्स वहाँ पे अपलोड करते रहती हूँ, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग वहाँ पे कोई कुछ भी सीखना हो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और जिसको भी ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना हो वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, जो भी कुछ पूछना हो तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की जो बैंग्स कट है उसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, और बटन क्लिक करते ही आप बेल आइकन आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने के बाद ही आपको जब भी मैं नोटिफिकेशन नई वीडियो अपलोड करूँगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा, तो बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक प्लेलिस्ट का नाम है सिलाई करना सीखे, और दूसरा ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपको हेयर कट की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आर्मपिट सेविंग वैक्सिंग की वीडियो मिल जाएगी, हैंड की वैक्सिंग, पैरों की वैक्सिंग, और पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी मेरे प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखना हो उनको मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग मुझे ज्वाइन कर लें और उनको पार्लर का काम सीखने में आसानी मिल पाए। और आप लोग मुझे फॉलो करते होगे तो मैं लाइव भी आती हूँ, तो लाइव पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इंडियन यूट्यूबर प्रीति भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसको भी मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, जो भी मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखना चाहता है, क्योंकि इस एक चैनल में इतनी सारी वीडियो ठीक नहीं लगती हैं, आप लोग को ढूंढना पड़ता है, तो इसमें सिर्फ पार्लर का और सिलाई का काम चलेगा, बाकी आपको ब्लॉगिंग वीडियो के लिए इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी वाले चैनल पे चलना पड़ेगा। तो बहुत बातें होगी, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बैंग्स हेयर कट कैसे करना है। चलिए, तो चलिए गाइस हेयर कट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेनी है, आप देख सकते हो मैं इनका ईयर टू ईयर पार्टिंग ले रही हूँ इस तरीके से, दोनों साइड से ईयर टू ईयर जो आपका क्राउन एरिया होता है उससे थोड़ा सा आगे ईयर टू ईयर दोनों साइड से पार्टिंग ले लेनी है। आपको पता ही होगा ईयर टू ईयर पार्टिंग किसे कहते हैं और कैसे लेना होता है। तो इस साइड का मैंने इस तरीके से लिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग बैंग्स में कट करना है, तो इस तरीके से फिंगर आप देखिए मेरी थोड़ी तिरछी रखी हुई है मैंने, और एकदम नोज के सीध में इनके लेके जाएंगे स्ट्रेट एकदम, और इस तरीके से फिंगर को एकदम स्ट्रेट रखते हुए बस कट कर देंगे। बहुत ईजी तरीका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा ये लुक। ओके, तो देखिए मैं इनका अभी इतना हेयर निकल गया है, तो बैक का भी लुक देखने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरी साइड भी ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे पहले इस तरीके से, जितना उधर से लिया था हमने सेम इक्वल में ही हेयर इधर से भी ले लेने हैं, और उसको भी स्ट्रेट कॉम करके आगे की तरफ लेके जाएंगे, और ऐसे कॉम करेंगे और फिंगर में इस तरीके से हेयर को पकड़ लेंगे, और यहाँ से हम लोग गाइडलाइन ले लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए ये वाली है गाइडलाइन जो शॉर्ट वाला दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे। तो चलिए कट करते हैं, तो इस तरीके से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे। उसके बाद से आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके दोनों साइड के बैंग्स इक्वल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो आपको दोबारा से कट करना है, तो किस तरीके से कट करना है वो देख लीजिए।
आपको पूरे हेयर्स को ईयर टू ईयर जो आपने पार्टिंग की थी उन सारे हेयर्स को आप एकदम नोज के सीध में लेके जाओगे। आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी इस तरीके से सिंपल सा इजी सा लुक तरीके से आप कट कर सकते हो, ऐसे भी बहुत परफेक्ट बैंग्स आता है, और चाहो तो उस तरीके से भी कट कर सकते हो। तो मैं कहूँगी कि आप उसी तरीके से कट करो, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके से कट करोगे तो लॉन्ग शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कट कर रहे हो तो हेयर तो ये कट हो गया हमारा और इक्वल हो गया दोनों साइड से बैंग। ये देखिए कितना प्यारा ये लुक आया है, बहुत ही अच्छा बैंग्स लग रहा है। तो दूसरी साइड का भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही मस्त सा लुक आएगा इस बैंग्स का। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा इस, और आप तो आप चाहो तो साइड से भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। ये बीच की मांग निकाली हुई है इनकी, मिडल पार्टिंग की हुई है बालों की, और इस तरीके का लुक आया है। तो चलिए हेयर कटिंग की बैंग्स की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, और दूसरी साइड का देख लीजिए आप कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना इनकी बैंग्स कटिंग आपको अच्छी लगी कि नहीं। अगर आप आपकी शादी होने वाली है, न्यू मैरिड गर्ल हो, इंडियन वुमेन गर्ल्स के लिए ये वाला हेयर कट बेस्ट रहेगा, बैंग्स हेयर कट इंडियन वुमेन गर्ल्स के लिए बैंग्स हेयर कट, लॉन्ग बैंग्स हेयर कट। बैक से मैंने किया था स्ट्रेट हेयर कट, तो उसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, पर डिलीट क्या हुई बन ही नहीं पाई थी। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैंग्स हेयर कट किया है। बहुत सारी बैंग्स हेयर कट की वीडियो मैंने बहुत डिटेल में समझा के डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको स्ट्रेट हेयर कट सीखना हो तो, सॉरी स्ट्रेट हेयर कट। और ये बैंग्स हेयर कट हो गया, बैक से स्ट्रेट हेयर कट किया था मैंने, और कितना हेयर फ्लोर पर आया था वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये है हेयर जो फ्लोर पर गिरे थे, तो फ्रंट से बैंग से इतने सारे हेयर इनके कट हो गए थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस तरीके से कट करके ट्राई कर सकते हो, आप सेल्फ भी कट कर सकते हो, सेल्फ बैंग कट की भी बहुत सारी वीडियो डाली है, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग बैंग्स कैसे कट करते हैं, और इस तरीके का लुक आपको न्यू मैरिड गर्ल्स और शादीशुदा लड़कियाँ जो मतलब यंग गर्ल्स से बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको साइड से भी ले सकते हो, साइड से भी बहुत प्यारा लगेगा ये, इसी तरीके का कट करके आप साइड से भी लोगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस, टेक केयर।